जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। टाटा स्टील सेंटर प्लांट, अशोक कुमार सिंह आज रिटायरमेंट हो रहे हैं, यानी अपनी सेवा टाटा स्टील कंपनी में 39 वर्ष दिए। आज उनके लिए पूरा डिपार्टमेंट आज गेट टुगेदर और उनको सम्मान दिया जा रहा है, उनको पार्टी दिया जा रहा है। अब उनसे बात करते हैं कि यह सफ़र आपने कब स्टार्ट किया था और कैसा महसूस कर रहे हैं, और साथ ही साथ बात करते हैं वह प्लांट के जो सब इनके साथ काम किए। टाटा स्टील में कहते हैं कि 3-4 जनरेशन काम करते हैं। अशोक कुमार जी आज उसी में है कि आज वह कंपनी में अपनी सेवा देने के बाद जा रहे हैं, लेकिन उनके बगल में सुमित जी है जो कंपनी में अभी सेवा देंगे। एक जन एक्सपीरियंस और एक जन को एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो हम पहले अशोक जी से बात करते हैं, उसके बाद सुमित जी से बात करते हैं। सर, क्या बोलना चाहेंगे आज के किसी कंपनी में 39 साल काम करना, टाटा जैसे इंस्टीट्यूशन, क्या एक्सपीरियंस है जो आने वाले यूथ को बहुत जरूरी है, आपसे सीखना चाहिए, वो जानकारी दीजिए। क्या टाटा स्टील जो है हम लोग पूर्वजों का बनाया हुआ, बोले तो हमारा तीसरी पीढ़ी अभी काम कर रही है और हमारे पूर्वजों द्वारा बढ़ाई हुई कंपनी है, जो हम लोग को लगता है कि मेरा घर का कंपनी है और हम लोग जी जान से इसको बढ़ने के लिए काम किया। कंपनी भी बदले में हम लोगों को काफ़ी आर्थिक रूप से हो या सुविधा के रूप में हो, हर तरह से वर्ल्ड क्लास की सुविधा देती है, और ये मतलब शहरी क्षेत्र में भी और वर्क प्लेस में जहाँ हम काम करते हैं। संक्षिप्त में बोलना चाहते हैं कि जो यंग है, हाँ, जो नए नए बैच आ रहे हैं, नए नए कंपटीशन निकाल रहे हैं, उनको क्या चीज समझदारी से काम करना चाहिए, ग्रोथ करेगा अपना भी और कंपनी का भी। समझदारी से अपना आप 100% दें और टीम भावना के साथ काम करें, एक दूसरे के साथ चैलेंज वाली भावना नहीं होनी चाहिए। एक टीम भावना के रूप में काम करने से क्या होगा कि हमारे कंपनी को भी उन फायदा होगा और हम भी अपने आप काम को जान सकेंगे। कि अभी सर ने कहा कि हमारे सारे जितने भी काम करने वाले हैं एक परिवार जैसे काम करते हैं, जैसे ये मेरे उम्र में काफ़ी बड़े थे, मैं जब यहाँ आया मुझे कुछ नहीं पता था मेरे यहाँ के बारे में, लेकिन जब इनका जो सहयोग मिला, हमेशा एक फादर जैसा, मतलब पिता के जैसा इनका पूरा सहयोग मिला, चाहे वो काम हो, काम से बाहर हो, सारा कुछ में इनका एक्सपीरियंस, चाहे काम के प्रति जो भी फील्ड का ऑपरेशंस में कैसे भी, मतलब ऑपरेशन प्रोसेस में कैसे हम लोग अपना एफर्ट दे सकते हैं, कैसे अपने प्लान के लिए और अच्छे बेहतर कर सकते हैं, इनमें हमेशा इनका जो भी एक्सपीरियंस मिला वो अच्छा मिला, और का वो बहुत हद तक बहुत मैक्सिमम 100% वो काम आया, क्योंकि इन्होंने जैसे कि हम लोग आर्मी 1 के पार्ट हैं, इन्होंने उसमें पूरा सर्विस पीरियड उस प्लान के लिए दे दिया, तो उस प्लान को उन्होंने बिल्ड होते हुए देखा है और उस प्लान में क्या प्रोग्रेस हो सकता है इसका भी इनको जानकारी है, तो वो एक एक्सपीरियंस हम लोग को अपने पूरे इनके साथ काम करते हुए, पूरा 8 घंटा मैं इनके साथ समय बिताया, उनके बगल में बैठ के मैंने काम किया है, तो सब कुछ एक हमेशा छोटे बेटे जैसा मैं बर्ताव किया है, हमेशा इतना प्यार मिला है कि सर मैं बहुत अभिभूत हूँ, इनके साथ गार्जियन मुझे काम मिला और इनका जो एक्सपीरियंस मेरे को मिला मेरे आगे फ्यूचर मेरे को काम आएगा, तो सर थोड़ा तो दुख है कि सर इनका रिटायरमेंट हो रहा है, लेकिन थोड़ी खुशी है कि चलो थोड़ा सा मतलब एक समय आने के बाद थोड़ा आराम करने का भी समय मिलना चाहिए, क्योंकि 8 घंटा की कंटिन्यू सर्विस के बाद थोड़ा सा शरीर है, तो हम चाहते हैं कि अब ये अच्छे से आगे का समय पार करें, जो सेकेंड टर्म लाइफ का है इनका बहुत अच्छा काफ़ी स्वस्थ से गुजरे, यही हम कहा सुनत भविष्य का कामना करते हैं। एक हमारे साथी हमारे बीच से रिटायर कर गए है ना, बहुत बढ़िया सुखमय जीवन हो उसका है ना, आगे का भी समय उसका अच्छा से बीते, यही हम भगवान से शुभकामना। देखिए आप लोगों का टीम में अभी का समय और पहले का समय बहुत चेंज हो गया, तो जो नए बैच आ रहे हैं क्या संदेश देना चाहते हैं उनको, भी कहेंगे हम लोग की जैसे जिस तरह से हम लोग काम धाम किया कंपनी के अंदर में, वो भी मिलजुल करके काम करें, कंपनी का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। महाशय, आज का क्या क्या प्लान है काम का? कुछ खास नहीं, वही बच्चों के लिए कॉपी कलम लाना है और घर के लिए राशन भी लाना है। अच्छा जी, सब काम याद है और बिजली का बिल जमा करने का भूल जा रहे हैं? अरे हाँ हाँ, आज बिजली का बिल भी जमा करना है। बकाया बिल के कारण कल गोलू के घर का कनेक्शन कट गया, उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। हाँ बाबा, आज बिजली बिल जरूर जमा कर दूंगा। हाँ, आज सब काम के साथ बिजली बिल भी जमा करना। कितना कैसे काम करते थे? 40-35 साल से दोस्ती है, बड़ा भाई का लग रहा है। अब रिटायर हो गए तो नहीं, खराब तो लगता ही है। क्या काम था? वो हम लोग फोरमैन थे, टीम कैप्टन थे हम लोग।
क्या इसका क्या काम है, क्या चाहिए दुनिया के एम्प्लॉय जो है, जो लेबर काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट पोस्ट बड़ा पोस्ट होता है, उनका अंडर में सब काम करता है, जिम्मेवारी उनका ज्यादा रहता है, लोगों जिम्मेवारी जवाबदेही ज्यादा है, काम निकालते हैं। प्रेम बाप, मेरा संजय दुबे। टाटा स्टील वह कंपनी जो अपनी एम्प्लॉय को सिर्फ मजदूर नहीं समझती, वह अपने एम्प्लॉय को पार्टनरशिप समझती है, वह अपने एम्प्लॉय को शेयर होल्डर समझती है, वह अपने एम्प्लॉय को परिवार जैसे समझती है। और आप देख सकते हैं कि एक वह जो रिटायरमेंट हो रहे हैं और एक सुमित जी वह जगह को भर रहे हैं। इनका एक्सपीरियंस सुमित जी के लिए काम आएगा, दोनों का एक्सपीरियंस टाटा स्टील को काम आता है, और टाटा स्टील का एक्सपीरियंस पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र में, और यह संदेश देना चाहता है कि काम आप कुछ भी करें उसको परिवार जैसे समझें, उसको टीम भावना से करें, तभी जाकर तरक्की होगा। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।